How are you? Today we have bought the fourth part of our hot question series. So let's start. My first question is, which famous scientist introduced the idea of natural selection? किस famous scientist जो है वो natural के बारे में अपना natural selection के बारे में अपना idea दिया था? तो बच्चों कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन, CHARLES, चार्ल्स डार्विन, DARWIN, चार्ल्स डार्विन दिया था अपना आइडिया विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टडी बायोलॉजी इज नॉन एज अ, वो पर्सन जो बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करता है जानता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों प्लांट्स, PLANTS, बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कोल्ड इज कॉल्ड वायरस, इसके बारे में ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों। तो कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से होता है, तो ट्रू इज द राइट आंसर, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फ्रॉग लिव इन साल्ट वाटर, फ्रॉग जो है वो साल्ट वाटर में नमकीन पानी में जिंदा रह सकता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, फ्रॉग जो है वो साल्ट वाटर में जिंदा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर नॉन एज व्हाट, वो एनिमल्स जो प्लांट्स और दूसरे जानवर को भी खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या जानते हैं किस नाम से? तो इसका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर ओमनिवोरस, VORES, ओमनिवोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस कैन बी ट्रीट विथ व्हाट, ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्शन फैला हुआ होता है उसको कैसे जो है उसका ट्रीट किया जाता है? तो उसका ट्रीट किया जाता है ANTIBIOTICS, उसका ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल पीस ऑफ पार्ट DNA इज नॉन एज, DNA का छोटा सा टुकड़ा एक हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रोमोजोम्स, CHROMOSOME, क्रोमोजोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ डॉग ऑफ स्प्रिंग इज नॉन एज अ, एक कुत्ते के बच्चे के झुंड को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो LITTER, लीटर कहा जाता है पप्पी के समूह को, झुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the process used by plants to convert sunlight into food? वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है जो पौधे अब सनलाइट को परिवर्तित करते हैं अपने भोजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटो SYSYN, PHE
एस आई एस फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हमने हॉट क्वेश्चन सीरीज के थर्ड पार्ट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं उस दिन बताया था, 10 नंबर का, उसमें हमने पूछा था व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द वाटर, वाटर का जो है स्टैंडर्ड टेस्ट वो कैसा होता है। तो कमेंट भी आया, एक दो कमेंट आया, लेकिन सभी का तो नहीं आया। तो आज हम उसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। वाटर इज टेस्टलेस, पानी का जो है स्टैंडर्ड टेस्ट वो कुछ नहीं होता है। अब आप लोग बताओगे कि सी का पानी जो है वो साल्टी होता है, तो ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड वो एक मापक पैमाना है जिसपे कि वाटर का टेस्ट जो है वो लेस होता है। तो बच्चों आज जो है हम आप लोगों के लिए साइंस का हॉट क्वेश्चन सीरीज लाए, अगले वीडियो में और भी कुछ नया लाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।